सो फायरबोल्ट की एक और नई वॉच फायरबोल्ट स्फीयर आ चुकी है। अब ये वाली वॉच एक रगेड वॉच है, जितने भी एडवेंचर लवर्स हैं उन सभी के लिए डेफिनेटली हो सकती है। अपने कैप्टन साहब लीड कर रहे हैं, उनसे एडवेंचर किसने किया नहीं होगा मेरे हिसाब से। वॉच 1.6 इंच की है, 1.6 इंच राउंड डायल के लिए काफी ज्यादा बड़ा साइज होता है। वॉच सच में बहुत बड़ी सी लग रही है, देखने में बहुत स्पोर्टी लुक आ रहा है इसका। दूसरा वाला डब्बा देख लेते हैं एक बार, ये वाला ब्लैक कलर है इनका, हेवी सा लग रहा है भाई। साइड से है तो प्लास्टिक लेकिन हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। और ये वॉच का रिंग ये है आपको पूरा मेटल बिल्ड का, और यहाँ पे दो कलर में अवेलेबल है, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है आप कमेंट बता सकते हो। अभी देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। पोको पिन वाला चार्जर है, फायरबोल्ट की बहुत सारी आपको पत्रिका मिल जाएंगी, और इसका चार्जर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। होल्डिंग टेस्ट तो भाई नहीं कर पाने वाला है क्योंकि वॉच काफी ज्यादा भारी है, और वॉच आपको टोटल 69 ग्राम की मिलने वाली है। व्हाट अ ग्रेट नंबर, सच में एडवेंचर के लिए ही बनाई गई है। और फायरबोल्ट ने इसके पूरे बॉडी का प्रॉपर यूज किया है, जैसे कि इसका जो डिस्प्ले आप देख सकते हो एच टू एच डिस्प्ले, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेजल फील हो रहा है, लेकिन भाई वॉच का डिस्प्ले बहुत बड़ा है, 1.6 इंच का डिस्प्ले है। डिस्प्ले के साथ साथ इसके अंदर आपको 600 mAh की बैटरी मिल रही है। अब ये बैटरी सबसे ज्यादा बड़ी किसी भी स्मार्ट वॉच में इसके साथ कॉलिंग देखने को मिलने वाली है आपको। और फ्रंट साइड से यहाँ पे आपको डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल का यूज किया गया है। ओवरऑल बिल्ड इसके बहुत हेवी लग रही है, नॉर्मल यूज में अगर ऐसे गिरता विरता भी है ना तो कोई इशू नहीं होगा। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग आउटडोर में आ चुके हैं। सबसे पहले इसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे हम लोग। फ्रंट से कोई भी स्क्रीन डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि पूरा पूरा प्रेशर इसके मेटल सरफेस पे आया है, और यहाँ पे आपको हल्का हल्का स्क्रैचेस आ चुके हैं। नॉर्मली हमारे स्मार्ट वॉचेस पे साइड में बहुत ज्यादा भाई चोट वोट लगता रहता है, तो एक बार साइड ड्रॉप करते हैं, हो नहीं पाए भाई साइड ड्रॉप, दोबारा करते हैं। इसके मेटल बॉडी पे आपको यहाँ पे स्क्रैच आ चुका है थोड़ा सा, प्लास्टिक बॉडी सही है। मैं लिटरली इसको बहुत ऊंचा उड़ा सकता हूँ, पार्क वार्क में तो कोई इशू नहीं होने वाला है। बटन आप देख रहे हो ना, ये भी आप डिफरेंट डिजाइन में है, टैक्टाइल बटन भी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी ऊपर वाले बटन से पावर होगा, नीचे वाले बटन से स्पोर्ट्स मोड ऑन हो जाएगा इसका। और अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स मोड चूज करते हो यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हो उसको, या तो आपको कैलोरी बर्न करनी है कितनी कैलोरी बर्न करनी है या फिर कितना टाइम करना है आपको, उस टाइमर के साथ स्पोर्ट्स मोड ट्राई कर सकते हो। और ये मिनिमम आपको 30 मिनट तक दौड़ाने वाला है, तो स्पोर्ट्स मोड में जाके रनिंग मोड मैंने ऑन कर लिया है। तो आज एडवेंचर थोड़ा ज्यादा करेंगे, दो राउंड मारता हूँ इस वाले ग्राउंड का, देखता हूँ कितना एक्यूरेट है। अभी 30 सेकंड हो चुका है, 34 स्टेप्स हो चुके हैं। राउंड कंप्लीट चुका है ऑलमोस्ट, 0.33 किलोमीटर, 353 स्टेप्स और 23 कैलोरी बर्न हो चुकी है। एक्चुअल में थक के आने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लिया, और अभी हार्ट रेट ऑलमोस्ट 107-109 पे आ चुका है, और अभी वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कि 109 कंप्लीट रहने वाला। दौड़ने के बाद थोड़ा सा तो आपको हार्ट रेट पंप हो जाता है, तो 109 के अराउंड एक्यूरेटी मैं कहूंगा। जितने भी हेल्थ फीचर्स है इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि हार्ट रेट के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। 5 मिनट के इंटरवल पे ट्रैक कर रहा है आपका हार्ट रेट, क्योंकि इसके अंदर ऑटो हार्ट रेट ट्रैकिंग को ऑन कर रखा है। क्यू वॉच प्रो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। फायरबोल्ट स्फीयर के आपको सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, मोर देन 100 आपको वॉच फेसेस मिल जाएंगे। भाई मुझको ये वाला मस्त लग रहा है, और भाई वॉच फेस अपडेट हो चुका है, और सच में इसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी, डिस्प्ले स्मूथ भी फील हो रहा है, आप देख सकते हो प्रीमियम वॉच वाला फील आ रहा है इसके अंदर। और जब आप नीचे से स्क्रॉल करोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऊपर से आपको कंट्रोल पैनल आ जाएगा जहां से आप कॉलिंग एक्टिवेट कर सकते हो, कॉल अलर्ट को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में आप 2-3 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेना अपने, और अब आप कॉल लगा सकते हो जिसको चाहो उसको। और बहुत ही अच्छा यूआई मिल रहा है, पूरी स्क्रीन का यूज हो रहा है। देखो मैं फुल वॉल्यूम कर देता हूँ। हाँ भाई कैसी आवाज आ रही है? थोड़ी मोटी आवाज आ रही है। रुकिए मैं पास से बात करता हूँ, अब सही आवाज आ रही है? हाँ अभी सही आ रही है। नेचुरल आवाज है? हाँ काइंड ऑफ नेचुरल। यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो। ये वाला इसका स्पीकर है, ये वाला इसका माइक्रोफोन है, और दोनों को बहुत ही सिमेट्रिक वे में बनाया गया। अभी मैंने हाथ पहन लिया, अब बोलना कुछ? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेकूक को। वेल डन। तो स्मार्ट वॉच की कॉलिंग काफी अच्छी, सबसे पहला इसका स्पीकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सामने वाले को उतनी नेचुरल आवाज नहीं जाती है। मेरे हिसाब से बहुत महंगे वॉच से बात करोगे अपना, एग्जैक्ट मोबाइल वाला आपको क्वालिटी नहीं आएगा, लेकिन हाँ बात हो पाएगी आराम से। और वॉच के आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको म्यूजिक का फीचर है इसके अंदर, अभी गाना आपको यहाँ पे वॉच के अंदर बज रहा है। अच्छा स्पीकर भाई इसका। और ये वाली वॉच के आपको IP68 की रेटिंग्स मिलती है। आवाज तो आ रही भाई, अभी 16:37 हो रहा है, 5 मिनट ही मिलते हैं, गाना बजने दो। 5 minutes later वॉच के ऊपर निकाल लेते बाहर। ओके अभी ज्यादा साउंड ही बढ़ गई है, पानी तो चला जा चुका है अंदर वॉच के, वॉच काम कर रहा है, नोटिफिकेशन भी आ रहा है आराम से, तो डेफिनेटली वाटर प्रूफिंग में तो तगड़ा बनाया इन्होंने। तो अगर कंप्लीट बात करते हैं फायरबोल्ट स्फीयर के बारे में, इस वाले वॉच की प्राइसिंग होने वाली 3,000 रुपए, और डेफिनेटली उस प्राइस पे तो एक बहुत ही अच्छी वॉच है, मस्त रगेड वॉच वाला बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है, 600 mAh की बैटरी लाइफ है आपको, बिल्ट इन डिजाइन पूरा एडवेंचर वाला है, तो डेफिनेटली एक अच्छा बाय रहेगा अगर आपको खरीदना है। इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उस पर आप क्लिक करके खरीद सकते हो, प्रोडक्ट टैग भी कर रखा है हम लोगों ने, उस पर भी आप क्लिक करके खरीद सकते हो। इस वाले वीडियो को देखते हैं, आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।